केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद मसूद अली गारू, टी श्रीनिवास यादव, संसद में मेरे साथी, मेरे मित्र बंडी संजय गारू, के लक्ष्मण गारू, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस समय पोंगल, माघ बिहू, मकर संक्रांति, उत्तरायण पर्वों का भी उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है। जैसे देश के प्रमुख दिवस, प्रमुख पर्व आसेतु हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक देश को जोड़ते हैं, हमें जोड़ते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर हमारे मन मंदिर में प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही भारत ट्रेन भी अपनी गति से, अपनी यात्रा से जोड़ने का, समझने का, जानने का अवसर देती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी साझा संस्कृति, हमारी आस्था को भी जोड़ती है। ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है, ये हैदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान इस रूट में पड़ते हैं, इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा। इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। भाइयों और बहनों, वंदे भारत ट्रेन, इसकी एक और विशेषता भी है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर
अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, आज देश में वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भी ध्यान देने वाली बात है। ये सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत 2023 के वर्ष की पहली ट्रेन है और आपको खुशी होगी हमारे देश में 15 दिनों के भीतर ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। ये दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान पटरियों पर तेज गति से दौड़ता हुआ जमीन पर बदलाव को महसूस कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन भारत में ही डिजाइन हुई और भारत में ही बनी देश की ट्रेन है। इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलो दिमाग में सोशल मीडिया में भी पूरी तरह छाए हुए हैं। मैं एक और आंकड़ा दूंगा जो जरूर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, दिलचस्प होगा। बीते कुछ ही वर्षों में 7 वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23,00,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40,00,000 से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है। यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। हमने वो समय भी देखा है जब हमारे यहां विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिर्फ आने जाने में ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता था। इससे देश के सामान्य नागरिक का, देश के मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान होता था। आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है। आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर
निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्त रफ्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुर्घटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी, लेकिन साथियों, साफ नीयत से, ईमानदार नीयत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मेड़क जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब करीब 325 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है। बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 225 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं।
बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है। गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।